I'm so in love with you. You just hug me and give me warmth. It could took away your pain and you left. Hello everyone! Welcome back to Mary's World! So after so long we are together. Yes. So आज का वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ये बुगु बताएंगे. आज की वीडियो में हम करेंगे टाई एंड डाई. हमारे पास कुछ वाइट टी शर्ट्स हैं तो उसमें हम कलर करने की कोशिश करेंगे फैब्रिक कलर्स. ओके, यू कैन सी ये न्यू वाली टी शर्ट है एंड बाकी है हमारे पास ये टू पुराने वाली. ये सारे इनके टी शर्ट्स हैं. इनके टी शर्ट्स जो ये पुराने वाले हैं जिसे कि आप देख सकते हैं उनका न्यू लुक देने वाले हैं. लेट्स सी हम कैसे न्यू लुक देते हैं. आज की वीडियो में हम टू मेथड यूज करने वाले हैं टाई एंड डाई का. फर्स्ट मेथड ये यूज करेंगे, सेकंड मेथड मैं यूज करूंगी. सो द वेरी फर्स्ट मेथड इज लाइक हम यूज करेंगे फैब्रिक कलर्स. ये हमारे पास चार कलर्स हैं और फैब्रिक कलर्स हम यूज करके एक वाइट टी शर्ट पे हम इसको यूज़ करेंगे चारों कलर को. यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि मल्टी कलर्स हो जाएंगे ये. और मल्टी कलर्स यूज़ करके हम इसको एक दिन रखना पड़ेगा. जैसे टाई कर दिया तो टाई एंड डाई करने में एक दिन लग जाएगा. तो ये फर्स्ट मेथड है. ये हम एक टी शर्ट पे सात चारों कलर करेंगे. आप एक चाहो तो एक कलर भी एक पे कर सकते हो. हाँ, ये मल्टी कलर हो जाएंगे, काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये, काफी अच्छा लगेगा. एंड सेकंड मेथड है ये पोटली वाला. ये थैली में आप देख सकते हो ये कलर है. ये वो वाला कलर है जो डाई वाले भैया के पास होता है ना, वो कलर है. ये आप ये मुझे 20 rupees ईच पड़ा. ये पिंक और रेड कलर इसमें बन जाता है. ब्लैक एंड ब्लू आई थिंक मैं पिंक यूज करूंगी. एंड इसको हम पानी के साथ पानी गर्म पानी में जैसे ऑब्वियसली हम सारे कपड़े डाई होते हैं. ये वो वाला मेथड है. वो हम टाई अगर हमने कोई डिजाइनिंग करनी है फैब्रिक में तो हम उसको टाई करेंगे. अगर आपको पूरा ही कपड़ा पिंक करना रेड करना तो एज इट इज पानी में रख सकते हो. वो हम पूरा मेथड आपके साथ शेयर करेंगे. इसमें एक चीज और हुई जो मैंने ये मेथड्स ये मल्टी कलर्स का बताया है. इसमें मल्टी कलर में क्या होगा कि जब एक टी शर्ट पे करेंगे तो मल्टी कलर्स हो जाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा कलर होंगे इसमें. पर जो मैरी ने बताया वो उसमें क्या होगा कि एक टी शर्ट पे एक ही कलर होएगा. इसमें मल्टी कलर होएंगे और दूसरे मेथड में एक ही कलर होएगा. इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. ये सो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो गाइस हमने डिसाइड किया है जो ये वाली आप टी शर्ट देख रहे हो ये ज़्यादा वाइट नहीं, ये क्रीमी सी है, लाइक ऑफ वाइट सी है. तो सबसे पहले हम इसका बेस कलर करेंगे. बेस कलर के लिए मैंने सोचा कि हम इसको लाइट पिंक या डार्क पिंक करेंगे एंड देन इसको टाई करके इसमें ब्लैक की प्रिंटिंग करेंगे. आई डोंट नो ये कैसा आएगा बट हम इसको ट्राई करते हैं. लेट्स गो. सो ओके गाइस हम किचन में आ चुके हैं एंड ये रहा पतीला. इसमें हम मोस्टली पानी बॉइल करते हैं आलू वगैरह, इसलिए इसकी हालत ऐसी है. तो इसमें हम कपड़े भी उबालेंगे. सो ये पतीले में पानी गर्म होगा एंड ये रहा कलर, ये रहा चम्मच, ये रहा लाइटर. अभी नेक्स्ट प्रोसेस थॉमस करेंगे. आ जाओ. सो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं पूरा प्रोसेस. सबसे पहले हमने ये ले लिया है किसके क्या बोले पतीला ले लिया और पानी भरेंगे इसमें सबसे पहले. टाइम लग जाएगा पानी भरने में कि धीरे धीरे क्योंकि पानी हमें क्लीन चाहिए ना ताकि कलर उसमें घुल सके अच्छे से. पानी सो टी शर्ट को हम क्या करेंगे कि इसमें डिप करेंगे और उसके बाद निकालेंगे. सबसे पहले हमने इसको कोल्ड वाटर में डिप करना है. अच्छे से डिप कर लिया अच्छे तरीके से और इसको निचोड़ देना है यहाँ से. कितनी शिद्दत से लगे हुए हैं ना ये काम करने, वरना तो नहीं करना. रिजल्ट आएंगे तो काफी अच्छा. हाँ तो आपने तो डालनी है ये. दैट्स व्हाई अभी हाँ साइड में रख दो. अभी ये पूरी वेट हो चुकी है एज यू कैन सी. अभी पतीला चढ़ेगा गैस पर. गर्म किया जाएगा पानी. अभी पानी को हम गर्म करेंगे. गर्म नमक
नमक और सॉल्ट एक चम्मच डाल दिया हमने। एंड हम मुझे ना बहुत डर लग रहा है ये ज़्यादा डालना हो जाए क्योंकि हमें बेस कलर चाहिए ना, हम टिन से डाल के देखेंगे सबसे पहले। ओह माय गॉड, यू कैन सी गाइस ये बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। पर हम पता क्या करेंगे, हमने ये इस टी शर्ट की एक साइड देंगे एंड इसको ऐसा करके देखेंगे कितना चढ़ रहा है। इसमें पिंक चढ़ रहा है, पिंक इतना इतना ही बहुत है, जितना डार्क हो गया वो ब्लैक हम डाला डार्क कर देंगे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कभी वो ना रहे। उबलते उबलते पानी में हमने इस कपड़े को डाल देना है एंड उसको हम 5-10 मिनट रखेंगे फिर निकाल लेंगे। ओके तो गाइस पानी बॉयल हो चुका है, अभी हम इसमें डिप करेंगे इस टी शर्ट को। इसको हमने हिलाते रहना डंडे से, हमारे पास डंडा नहीं है इसलिए हम कर्ची यूज कर रहे हैं। इसको हम इसमें 10 मिनट रखेंगे एटलीस्ट। सो गाइस 10 मिनट हो चुके हैं, अभी ये हो चुका है लाइट लाइट का पिंक as you can see। अभी हमने इसको निकालना है, इसको निकाले कैसे, चिमटे से निकल जाएगा बस बस करछी के साथ निकल जाएगा। और ये देखो लाइट सा हो चुका है पहले, इसमें एक बेस कलर बन चुका है। अभी हमने इसको क्या करना है, इसको हमने ठंडे पानी में डुबो कर निचोड़ लेना है एंड इसको हम मशीन में सुखा लें। एंड यू कैन सी इसमें कलर हो चुका है ना, हमने इसको ठंडे पानी में डिप कर लिया है, अभी हम इसको सुखाएंगे मशीन में। सो गाइस ये हो चुके कलर, आप इस देख सकते हो कि इसमें बीच बीच में वाइट वाइट है बट कोई बात नहीं, ब्लैक में ये पूरा कवर हो जाएगा। तो हमने इसको ऐसे ऐसे करना है, ये सबसे इजी प्रोसेस है। तो हमने ये थ्रेड यूज करना है, इसको हम इसे नॉट कर देंगे। इसको ऐसे ऐसे से टाई कर लिया है, अभी हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे एंड देन हमने पानी गरम किया है, एक चम्मच नमक एंड आधा चम्मच ब्लैक कलर डाला एंड उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। देन उसके बाद हमने जो भी कपड़ा को टाई किया था उसको गीला करके उसमें डाल दिया। ये एक शॉट क्यों नहीं लिया, शॉट लेना चाहिए। एक्चुअली डर लगता ना कि पानी ऊपर भी आ सकता है। अभी इसको थोड़ा सा हिला दो, इसके साथ चिमटा है हमारा, चिमटे के साथ हिला दो। एंड यू कैन सी टाइम हो चुका है, हमने इसको निकाल लिया एंड यू कैन सी पूरा ब्लैक हो चुका है। अगर अंदर गिर जाता ना तो मुंह पे आता, तो इसको ठंडे पानी में वॉश करेंगे एंड यू कैन सी कितना कलर निकल रहा है इसका। अभी हम बाहर जाके इसको कट करके देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है, तो लेट्स गो। ओके सो अभी हम इसको खोलने में कट कर रहे हैं दांतों को, सभी थ्रेड को हमने इस कटर की हाथ से काट डालना है एंड होपफुली अच्छा। ओह माय गॉड है, पहले तो ऐसे लग रहा था कि होएगा नहीं कुछ भी है ना, पर है उसमें, क्या बात है, वाओ इट लुक्स सो अमेजिंग, सो नाइस। ओह माय गॉड, कितनी गंदी सी टी शर्ट थी ये और ये कितनी अच्छी बन रही है, बन रही है। ओह माय गुडनेस, काफी अच्छी लग रही है ना। एंड चंचना, वाओ वेरी नाइस, काफी अच्छी बन गई ना। नाइस,
तो ये फर्स्ट हमारा टाई एंड डाई का सैंपल है जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, हम बहुत खुश हैं इससे, तभी हम नेक्स्ट करेंगे। तो गाइस अभी ये थ्रेड है, आपके पास रबर बैंड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं उसको बांधने के लिए। हमारे पास ये वाला थ्रेड है, ये मैं ऑलमोस्ट सारे कपड़े इसी से बांधती हूँ अगर हमने डाई करना होता है तो। यू कैन सी इतना ये मोटा है एंड हम इसको ये न्यू वाली है इसको हम फोल्ड करके टाई करेंगे। हम इसका प्रोसेस देखेंगे, सबसे पहले हमने इसको फोल्ड करना है, सबसे पहले इसको मिलाएंगे। गाइस यू कैन सी ट्रायंगल शेप में आ चुका है, ये कॉटन नहीं है सो दैट ये अच्छे से ट्रायंगल नहीं बना, अगर ये कॉटन होता तो अच्छे से बनता, तो फिर भी हम ये सिंथेटिक है दैट्स व्हाई ऐसा लग रहा है। हम इसको ऐसे ही इसको टाई कर देंगे, बहुत अच्छे से इसको बिल्कुल टाइट करके इसको बांधना। इसका मोटिव ये होता है कि जहाँ से ये थ्रेड बंधा हुआ है वहाँ के बिल्कुल अंदर इसके कलर बिल्कुल ना जाए, ये डिज़ाइन बन जाए ऐसे ही अभी, इसलिए हम इसको बहुत टाइट करेंगे। सो एक और टी शर्ट वेट कर ली है हमने और अभी हम यूज कर रहे हैं ब्लू कलर। इस टी शर्ट पे जो नई टी शर्ट है इस पे यूज करेंगे हम ब्लू कलर। और सबसे पहले हम एक चम्मच डालेंगे नमक का और आधा चम्मच हम डालेंगे ब्लू कलर। तो पहले हम डाल देते हैं नमक, एक चम्मच हमने नमक डाल दिया, उसके बाद हमारे पास है आधा चम्मच ब्लू कलर, देखो ब्लू ही हो गया। अभी थोड़ा इसको मिला देते हैं, गाइज ये हमारे साथ कुछ और हो चुका है, हमने ये कपड़ा कॉटन नहीं था दैट्स व्हाई इस पे कलर ही नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया है, तो हम देख लेते हैं इसका क्या बना है। इससे उम्मीदें थी पर आपको भी बोलूंगी अगर आप ट्राई करें तो कॉटन पे ही ट्राई करना, किसी और कपड़े पे मत करना। तो इस पे थोड़ा अगर ये वाइट था ना दैट्स व्हाई इस पे थोड़ा थोड़ा कलर तो आ ही गया है। अब देख लेते हैं जो हमने डिजाइनिंग की थी वो उसका क्या। ओह माय गॉड Still it looks good. But ये अच्छा लग रहा है ना, कलर आ ही गया इस पे थोड़ा हल्का हल्का, पर ये अब जो ब्लैक ब्लैक देख रही हो ना ये ब्लैक और ब्लू इसलिए है बिकॉज हमने पहले ब्लू एंड ब्लैक वाली डार्क कलर किया था जैसे ऐसे ब्लैक शेड आ गई, पर अच्छी लग रही है ना, ग्रे शेड लग रही है ये ग्रे शेड, बट नाइस। मुझे लगा ये वेस्ट जा रही है, वेस्ट गई है, बट इट हैज कोई वेस्ट नहीं गया ये वेरी नाइस दिखाया। गाइस ये लास्ट इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से टाई करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम बिल्कुल सेंटर में से इसको ऐसे उठा लेंगे ऐसे, ठीक है ऐसे उठा लेना है इसको एंड इसको थ्रेड कट करना है एंड इसको यहाँ से टाई कर देना है जस्ट एंड अभी इसको यहाँ से हमने नोट कर देना है। मल्टी कलर्स मल्टी शेडेड, अभी ये फैब्रिक वाले जो कलर है ये अभी इनकी बारी है, ये है इनकी बारी अभी ये करेंगे कुछ जो ये हमने रखा है, ये हमने ताली रखी है एंड इसको हमने जैसे बांध लिया था उसमें सारे में कलरफुल कर देने हैं एंड ये अभी करेंगे, कैसे करेंगे बताओ।
भी ये जो हमारे पास कलर है छोटे वाला, हमें क्या करना थोड़ा सा कलर लेना है और एक गिलास में हमें डिप कर लेना, थोड़ा सा कलर चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे वाटर, उसके बाद इसको हम मिला देंगे। पहले भी हमने एक कलर बनाया, इससे पहले ये ग्रीन वाला बनाया, बना रहे हैं हमें पिंक कलर। ऐसे ही हमें दो दो कलर और चार कलर हम यूज़ करेंगे। दो कलर जैसे हमारे पास येलो कलर है, ये भी हम यूज़ करेंगे। एंड यू कैन सी गाइस, ये है लैवेंडर कलर है, ये मेटालिक में लाइक शाइनी शाइनी वाला। ये हम ना एक वो करने लगे हैं लाइक एक्सपेरिमेंट की ये मेटालिक कलर शर्ट पे कैसा आएगा, मेटालिक में आएगा, शाइन करेगा या नहीं, बिकॉज हमारे पास लाइट में यही कलर था, डार्क थे बाकी, तो हम ये भी ट्राई करेंगे। येलो कलर भी देखो, येलो तो देखो गाइस, देखो येलो वाला भी देखो, कुछ छूट ना जाए जो ये कर रहे हैं। येलो कितना अच्छा लग रहा है। यू कैन सी हमारे कलर्स रेडी हो चुके, कितने प्यारे लग रहे हैं। यू कैन सी हमने ये बना के रख लिया कि हम पहले पिंक करेंगे, फिर ग्रीन करेंगे, फिर पर्पल करेंगे, फिर येलो करेंगे। यानी ये रख लिया हमने थाली, ये रख लिया, अभी हमने इस टिनों से उसमें भर, ओ माई गॉड, हमने इसको वेट नहीं किया, हम इसको वेट करेंगे पहले। एंड यू कैन सी गाइस, मैंने ऐसे हाथ गिले करके इसको जस्ट ऐसे ऐसे ही वेट किया है, ज़्यादा नहीं किया। एंड अभी हम पिंक कलर करेंगे, पिंक ये टिनों से, दैट्स व्हाई मैं इसको चम्मच से करने वाली हूँ। तो ये हो चुका है पूरा कलर, जो हमारे पास कलर रह गए हैं अभी हमने इसको इस पे ही यूज कर देना है। तो ये फैल चुके हैं ना इधर उधर, सबको हमने मिक्स कर देना, लाइक हमने येलो येलो कर देना इसको पूरा। तो ये आप देख सकते हो हमारा ये काम हो चुका है, एंड मेरे हाथ पूरे रंगीन हो चुके हैं, ग्लिटरी ग्लिटरी पेंसिल। अभी हमने इसको क्या करना है, एक पॉलीथीन में डाल के अच्छे से बंद करके कि इसको हवा ना लगे, इसको हमने 24 आवर्स के लिए इसको रख देंगे। तो हम इसको कल रखेंगे, इसको पॉलीथीन में डालना है। एंड इसको मैं इसमें डाल दूँगी, ये हमने पैक कर दिया, पूरा कितना अच्छा लग रहा है ना। एंड हम इसको इसमें पैक कर देंगे अच्छे से, 24 घंटे बाद देखेंगे कि इसका क्या बना है। तो गाइस 24 घंटे हो चुके हैं, अभी हम इसको पैक करेंगे, देखते हैं कलर आया है कि नहीं। कॉपी हो सकते हैं, कलर तो काफी अच्छे लग रहे थे। ये कौन सा कलर था, ग्रीन कलर था? हाँ जी ग्रीन। बंद करें, हम इसको कट करेंगे। डिजाइन कितना अच्छा, डिजाइन काफी अच्छा, मतलब ये हमने नॉर्मल सा, मतलब मैंने कुछ ट्रिक ही सोचा था कि उसमें ज्यादा मेहनत थी, बट ये बहुत अच्छा है, मतलब नॉर्मल मेथड से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हमें, तो हम इसको ट्राई करते हैं। When I see you there and my heart goes blind, when
As you can see, ये थे हमारे 3 टाई एंड डाई वाले प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल रहे हैं एंड 2 दिन लगे 3 प्रोजेक्ट को करने के लिए। और मोर ओवर जो भी प्रोजेक्ट लाइक 3 टी शर्ट थी हमारे पास, जो भी आपको अच्छी लगी कमेंट करना कौन सी वाली आपको ज्यादा अच्छी लगी। Yes, let me know in the comment section. So, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कारागिरी के साथ। So, bye-bye. See you next video.